सिमडेगा के नए एसपी सौरभ कुमार आज सिमडेगा परिसदन पहुंचे। परिसदन में ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सिमडेगा के नए पुलिस अधीक्षक सौरभ समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शमस तबरेज से पदभार ग्रहण किया। ड्यूटी होती है मुख्य रूप से, अगर आप बात करें तो अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण और तीसरा विधि व्यवस्था होती है। जहाँ भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होता है तो उग्रवाद नियंत्रण एक अलग जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में होता है देखा जाता है। बाकी इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर जो भी हम लोगों को आवश्यकताएँ होंगी, अभी हम लोग सभी थाना प्रभारियों से और जो एसपी सर हैं पहले उनसे फीडबैक लेंगे, और जो भी यहाँ पर आवश्यकताएँ होंगी सर का भी जो भी गाइडेंस रहेगा, और जो भी यहाँ के लोगों से यहाँ के थाना प्रभारी से और यहाँ की जो जनता है उनका जो भी फीडबैक आएगा, जो भी उनकी आवश्यकताएँ होंगी उसके आधार पर हम लोग इन्हीं चार मुख्य बिंदु जो है, जो मैंने पहले ही बोला, अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण, विधि व्यवस्था और उग्रवाद नियंत्रण, इन चार चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। डिटेल जो है हम लोग एक बार ब्रीफिंग के बाद, एक बार पूरी प्लानिंग के बाद हम लोग चौकआउट करेंगे। क्योंकि रामनवमी का समय चल रहा है, रमजान का भी समय है, क्या संदेश देंगे सिमडेगा? देखिए निश्चित रूप से अभी जो अगर फर्स्ट चैलेंज अगर हम लोग बोले, जो मैंने विधि व्यवस्था के बारे में बताया आपको, तो फर्स्ट चैलेंज अभी जो है वो है रामनवमी है। हमारी अपील होगी रांची की जनता से, और साथ में रमजान का ही महीना चल रहा है, तो सभी से अपील है हमारी कि आप लोग जो है शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के माहौल में जो त्यौहार है उसको मनाएं। हम लोग उम्मीद करें कि सिमडेगा की जनता जो है हम लोगों का पूरा इसमें सहयोग देगी, और कहीं ना कहीं अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि उपद्रव करने का प्रयास करेगा या कहीं भी अगर विधि व्यवस्था खराब करने का प्रयास करेगा, तो कानून का जो तरीका है, कानून की जो विधि सम्मत है, उसके अंतर्गत जो है निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाए। सर, सिमडेगा चूँकि पूर्व में उपद्रव प्रभावित क्षेत्र रहा है और ऐसा चुकी आपकी पोस्टिंग, इसे कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए निश्चित रूप से हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी अपनी अपनी चुनौती है, अलग अलग वहाँ के आयाम है, वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उसको देख करके हम लोग किस लेवल पे यहाँ पे है, किस लेवल पे रहा है और आगे वह न होने पाए, जिस उग्रवाद की बात कर रहे हैं उन सभी पर हम लोग एक डिटेल्ड जो है ब्रीफिंग लेने के बाद प्लानिंग करेंगे, और उस पर फिर हम लोग अलग कार्य योजना जो है। थैंक यू सर। देखिए हमारा जो कार्यकाल रहा है, मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यह स्वर्णिम रहा है, और कारण सिर्फ ये रहा कि आम जनता, हर तबके के लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। जब आया था तो मुझे कुछ अलग बात बताई गई थी, समस्याएं थीं, और उन पे हमारे पुलिस पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छी उपलब्धियां आई हैं, आपने निरंतर इसका कवरेज भी दिया है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, अब हमारे सहयोगी आए हैं, आप जान रहे हैं कि ये रांची से आए हैं, और रांची में विधि व्यवस्था, अपराध, इससे जूझते रहे, अनुभव इनका भी है, और हम समझते हैं कि यहाँ की जनता एक बार फिर सिमडेगा पुलिसिंग का फायदा उठाएगी। मैं अपनी तमाम जनता से ये मेरी अपील होगी कि जिस तरह से आपने मुझे सहयोग दिया, इन्हें भी पूरा सहयोग देंगे, और शांति और व्यवस्था स्थापित करने में मैं समझता हूँ हमारे कलीग सौरभ खरे उतरेंगे। आप सभी के लिए एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगा, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हो तुम, तो हमारा ये ज़िला जिसमें मैंने काम किया और अब हमारे सहयोगी सौरभ काम करेंगे, ये एक नायाब ज़िले में काम करेंगे, और हम समझते हैं कि पुलिस का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपका सहयोग इनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।